पहले बीआरएस ने तेलंगाना को लूटा और अब कांग्रेस वाले लूट रहे हैं। आप देखिए, बीआरएस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इतना बड़ा स्कैम किया, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो सरकार बनने के बाद इसकी जांच करने की बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस कालेश्वरम स्कैम की फाइलें दबाकर बैठ गई। और जब बीआरएस सत्ता में थी तब उन्होंने कैश फॉर वोट मामले की जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया। पहले बीआरएस ने तेलंगाना को लूटा और अब कांग्रेस वाले लूट रहे हैं। आप देखिए, बीआरएस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इतना बड़ा स्कैम किया, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो सरकार बनने के बाद इसकी जांच करने की बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस कालेश्वरम स्कैम की फाइलें दबाकर बैठ गई। और जब बीआरएस सत्ता में थी तब उन्होंने कैश फॉर वोट मामले की जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया। पहले बीआरएस ने तेलंगाना को लूटा और अब कांग्रेस वाले लूट रहे हैं। आप देखिए, बीआरएस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इतना बड़ा स्कैम किया, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो सरकार बनने के बाद इसकी जांच करने की बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस कालेश्वरम स्कैम की फाइलें दबाकर बैठ गई। और जब बीआरएस सत्ता में थी तब उन्होंने कैश फॉर वोट मामले की जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया।